हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, नो सॉरी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में हमने अब तक चार किंगडम्स कंप्लीट कर लिए हैं आरएचबीटी का क्लासिफिकेशन में, जिसमें फर्स्ट किंगडम था मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई और फोर्थ प्लांटी, और फिफ्थ किंगडम है एनिमेलिया है, जो थोड़ा डिटेल में है तो आप अच्छे से समझेंगे। पहले तो ये टेबल के ही पॉइंट जो हमने टेबल में भी नोट किए हैं, एनिमल्स आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एंड हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस होता है, मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारी सेल्स होती हैं, और हेटरोट्रॉपिक मतलब दूसरों पर डिपेंड करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं फूड के लिए। दे डू नॉट हैव सेल वॉल एंड आर मोस्टली मोबाइल। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है और ज्यादातर एनिमल्स मूवमेंट से करते हैं, मोबाइल होते हैं। किंगडम एनिमेलिया इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। किंगडम एनिमेलिया को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इन सभी क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो सबसे पहले आप ये क्राइटेरिया पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हर एक ग्रुप सब ग्रुप है उसके सारे करेक्टर्स आप इजीली लिख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो किंगडम एनिमेलिया को कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है उन फाइलम के नाम बता देता हूं। फाइलम पॉलीफेरा, फाइलम सिलिंड्रेटा, फाइलम प्लेटीहेलमिंथ्स, फाइलम निमेटोडा, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम प्रोटोकोर्डेटा और फाइलम कोर्डेटा, जिसमें हम कोर्डेटा के अंदर आते हैं ह्यूमंस, ठीक है। ये सारे ग्रुप्स किस बेसिस पर बनाए गए, ये क्राइटेरिया, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल के पहले तो ये पॉइंट, और फिर फर्स्ट हेडिंग डालेंगे नोटोकोड, ठीक है। नोटोकोड के बेसिस पर पहली हेडिंग आपने नोटोकोड डाल दी। नोटोकोड के बाद में लिखेंगे इट इज ए डोर्सल, DORSAL डोर्सल होलो, SOLOW होलो नर्व कोड विच अकर्स इन सम एनिमल्स फुल स्टॉप बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ एनिमल्स, सॉरी बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ नोटोकोड एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। फिर आप लेफ्ट में लिखेंगे नॉन कोर्डेटा और राइट में लिखेंगे कोर्डेटा, लिखते हैं लेफ्ट में नॉन कोर्डेटा और राइट में कोर्डेटा। नॉन कोर्डेटा में नीचे लाइन में ये सारे लिखेंगे एक से लेकर नौ तक, अलग अलग लाइन लिखेंगे, ध्यान रखें इस तरह से, और इस तरफ लिखेंगे कोर्डेटा, ठीक है। कोर्डेटा के नीचे पांच क्लासेस के नेम लिखेंगे, मैं लिख देता हूं कोर्डेटा के नीचे। देखो नॉन कोर्डेटा में तो आपने ये नौ लिख दी, और कोर्डेटा फाइलम कोर्डेटा उसके नीचे पांच लिखेंगे, क्लास पीसीज PISCES, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, ठीक है, क्लास एबीज, और एक और है मैं इस तरफ लिख रहा हूं क्लास मेमेलिया, ठीक है। ये पांच इस कोर्डेटा के नीचे लिखेंगे, और जो नॉन कोर्डेटा लिखा था उसमें हम फाइलम पॉलीफेरा से लेके और फाइलम प्रोटोकोर्डेटा तक के ये नौ के नौ लिखेंगे इस तरह से, इस तरफ लेफ्ट में नॉन कोर्डेटा और इस तरफ में कोर्डेटा, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। पहला क्राइटेरिया नोटोकोड का है, यानी कि बैकबोन का है, जो हमारी बॉडी में बैकबोन है, जिनमें होती है वो तो कोर्डेटा है, जिनमें नहीं होती वो नॉन कोर्डेटा है, बचे हुए सारे, ओके। तो पहला क्राइटेरिया हो गया कंप्लीट, लिख लिया टेबुलर फॉर्म में आपने। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडिंग डालकर पहला पॉइंट लिखेंगे एनिमल्स शो वेरियस टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विच मे बी सेलुलर टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम,
फुल स्टॉप, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट, वेरियस ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स शो डिफरेंट फॉलोइंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। वेरियस ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स शो फॉलोइंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें सब हेडिंग डालेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हेडिंग डाल दी, उसमें एग्जाम्पल लिख देना फाइलम पोलीफेरा। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एग्जाम्पल लिख देना सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा। उसके बाद लिखेंगे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सी हो गया ये, उसमें लिखेंगे फाइलम प्लेटिहेलमिंथ्स। और लास्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल ओक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लिखेंगे आप फाइलम नेमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकोडेटा, कोर्डेटा, मतलब बचे हुए सारे निमेटोडा से लेके कोर्डेटा तक के सारे आएंगे ऑर्गन सिस्टम में। ठीक है, इसका मतलब सेलुलर वाले में बॉडी सेल्स के एग्रीगेशन से बनेगी, टिश्यू वाले में बॉडी में टिश्यूज प्रेजेंट होंगे लेकिन ऑर्गन नहीं होंगे, ऑर्गन वाले में ऑर्गन प्रेजेंट होंगे लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं होंगे, और ऑर्गन सिस्टम वाले में निमेटोडा से कोर्डेटा तक सारी चीजें ही प्रेजेंट होंगी। ये दूसरी हेडिंग होगी। ठीक है, तीसरा बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में लिखेंगे बॉडी कैविटी इज ए स्पेस इन बॉडी वेयर ऑल सॉफ्ट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज प्रेजेंट बिटवीन वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ए एल आई एम ई एन टी ए आर वाई, एलिमेंट्री, सी ए एन ए एल, एलिमेंट्री कैनाल, एंड आउटरमोस्ट एपिडर्मिस लेयर ऑफ बॉडी, एपिडर्मिस लेयर ऑफ बॉडी। ठीक है, मतलब हो गए पॉइंट, दो पॉइंट हो गए, समझ लीजिए। जैसे मेरी बॉडी है, इसको अगर यहां से डिसेक्ट करेंगे तो माउथ से लेकर एनस तक एक ट्यूब है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, बॉडी में है, और सबसे बाहर ये स्किन की लेयर है। तो इस तरह से एक एक बड़ा पाइप, मोटा पाइप, तो ये होगी स्किन की लेयर, और इसके बीच में डला हुआ है ये पाइप, तो इस पाइप से मतलब बीच में जो पतला पाइप है उससे लेके और स्किन के बीच का जो स्पेस है ना, इसी को हम बॉडी कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट हो गए, थर्ड पॉइंट लिखें, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी एनिमल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, एनिमल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, उसमें ए लिखें ए सीलोमेट, सीलोम से बनाए वर्ड ए सीलोमेट, ए लिख दिया, इसके आगे लिख दीजिए बॉडी कैविटी एब्सेंट, और एग्जाम्पल लिखें पोरिफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटिहेलमिंथ्स। ठीक है, उसके बाद लिखें स्यूडो, पी एस ई यू डी ओ, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो सिलोमेट, बी हेडिंग लिखेंगे आप, उसमें एरो लगाकर लिखेंगे फॉल्स बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, एग्जाम्पल लिख देंगे फाइलम निमेटोडा। ठीक है, सी लिखेंगे सीलोमेट्स, लिखें ट्रू बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, उसमें एग्जाम्पल लिखेंगे फाइलम एनेलिडा से लेके फाइलम कोर्डेटा तक सारे। ठीक है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोर्डेटा लिख दो, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकोर्डेटा, कोर्डेटा। ठीक है, ये आ गए किसमें, ट्रू बॉडी कैविटी। नेक्स्ट फोर्थ क्राइटेरिया एडिंग डाले नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स एडिंग डालकर लिखे फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन ऑल एनिमल्स, फुल स्टॉप, कंटिन्यू इसी में लिखेंगे, जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो फर्दर
undergoes changes to form germ layers, GERM, germ layers, for development of various body parts. ठीक है, various body organ बनाने के लिए उस embryo में जो embryo है उसके अंदर germ layer बनती है, cells की layer बनती है. ठीक है, next point, based on number of germ layers formed, comma, animals are of two types. ठीक है, ए लिखिए डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक क्या के लिखे, द एनिमल्स इन विच टू जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. ठीक है, एग्जाम्पल फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा. लिख दिया, दो जर्म लेयर बनी थी, एक्टो मतलब बाहर वाली, एंडो मतलब अंदर वाली, दो जर्म लेयर बनेगी. इन दो जर्म लेयर से ही सारे ऑर्गन में डेवलप हो जाएंगे जो भी होने हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान, चाहे गुड से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से नया ऑर्गेनिज्म. तो एम्ब्रियो से फीटस और नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए अगर दो लेयर्स बननी है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, तो डिप्लोब्लास्टिक. दूसरा केस लिखिए बी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, द एनिमल्स इन विच थ्री जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. थ्री जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दैट इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. तीन जर्म लेयर होगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म. एग्जाम्पल फाइलम प्लेटीहेलमिन टू फाइलम कोर्डेटा, बस इस तरह लिख दो, फाइलम प्लेटीहेलमिन टू फाइलम कोर्डेटा, सारे आ गए इसके अंदर. तो ये हो गया नंबर ऑफ जर्म लेयर्स के बेसिस पर. ठीक है, उसके बाद मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन. हेडिंग डाले मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन, इसमें लिखी मेटामेरिज्म इज डिविजन ऑफ एन एनिमल बॉडी इंटू सेगमेंट्स, फुल स्टॉप, बेस्ड ऑन एबसेंस और प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ सेगमेंट्स, कॉमा, एनिमल्स बॉडी इज ऑफ टू टाइप्स. एनिमल्स बॉडी इज ऑफ टू टाइप्स, लेफ्ट में लिखेंगे नॉन सेगमेंटेड बॉडी और राइट में लिखेंगे सेगमेंटेड बॉडी. ठीक है, नॉन सेगमेंटेड और सेगमेंटेड. नॉन सेगमेंटेड के नीचे लिखिए बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली नॉट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, लेफ्ट वाले में लिखना है, और राइट वाले में लिखना है बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. ठीक है, नॉन सेगमेंटेड, सेगमेंटेड. फिर एग्जाम्पल लिखेंगे, नॉन सेगमेंटेड में लिखेंगे फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्स, फाइलम नेमेटोडा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा. ठीक है, ये तो हो गए नॉन सेगमेंटेड में, बचे हुए फाइलम सेगमेंटेड में क्या क्या, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम प्रोटोकोर्डेटा, फाइलम कोर्डेटा. ये बचे हुए किसमें लिखने हैं, सेगमेंटेड बॉडी में. ठीक है, फोर क्राइटेरिया, फाइव, सिक्स क्राइटेरिया डालें बॉडी सिमेट्री. ठीक है, इसमें लिखें बॉडी सिमेट्री ऑफ एनिमल्स इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वन और मोर प्लेन्स, PLANES, प्लेन्स, बाय विच देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स, फुल स्टॉप. इसका मतलब समझ लीजिए, किसी
एनिमल की सिमेट्री किस बेसिस पर हम डिटरमाइन करते हैं, जैसे मेरी बॉडी है इसको, ऐसे कितने प्लेन हैं जो बिल्कुल बॉडी के सेंटर से पास हों और बॉडी को दो बराबर हिस्सों में बांट दें। ठीक है, अगर किसी एनिमल की दो बराबर हिस्सों में बॉडी बांटी जा सकती है वो तो सिमेट्रिक एनिमल है, और जिसमें ऐसा कोई प्लेन है ही नहीं जो सेंटर से जाए और उस एनिमल को दो भागों में बांट दे, तो ऐसे एनिमल को बोलते हैं एसिमेट्रिक, मतलब उस एनिमल की कोई सिमेट्री ही नहीं है। ठीक है, तो एसिमेट्रिक तो क्या हो गई, द एनिमल इन विच देर इज नॉट एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी विच कैन डिवाइड देम इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ये तो हो गया एसिमेट्रिक। और सिमेट्रिक में दो, अगर किसी एनिमल में सिर्फ एक प्लेन हो जो सेंटर से जाए और उस एनिमल को दो बराबर हिस्सों में बांट दे तो उस एनिमल में होगी बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरली सिमेट्रिक एनिमल होगा या बाइलेटरल सिमेट्री, और जिसमें है ही नहीं वो एसिमेट्रिक, और जिसमें ऐसे मल्टीपल प्लेन हैं जो जिसके थ्रू अगर उस एनिमल को काटें तो दो बराबर हिस्से बन जाएंगे, मतलब इस तरह से काटें तो ये दो बराबर हिस्से, इस तरह से काटें तो ये दो बराबर हिस्से, इस तरह से काटें तो ये दो बराबर हिस्से, इस तरह से काटे तो ऊपर और नीचे वाला बराबर हिस्सा, मतलब मल्टीपल प्लेन ऐसे हों जो सेंटर से जाकर उस एनिमल के दो बराबर हिस्से कर दें, तो ऐसे एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री होती है और ऐसे एनिमल्स को हम रेडियली सिमेट्रिक एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, अब समझ गए आप, सेंटर से जाना चाहिए वो प्लेन जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं और दो बराबर हिस्से बनने चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग आपको डालनी है बॉडी सिमेट्री, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, नेक्स्ट पॉइंट लिख लें बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्लेन्स और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्लेन्स, नंबर ऑफ प्लेन्स और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्लेन्स कॉमा एनिमल्स हैव थ्री टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री, एनिमल्स हैव थ्री टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री, ए हेडिंग डालें एसिमेट्रिक एनिमल्स, एसिमेट्रिक एनिमल्स, एसिमेट्रिक में लिखें द एनिमल्स विच डू नॉट हैव एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर विच कैन डिवाइड देम इनटू टू इक्वल पार्ट्स, कोई भी प्लेन नहीं। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के एग्जांपल लिखें फाइलम पॉलीफेरा। सेकंड, रेडियली सिमेट्रिक एनिमल्स, बी लिखें रेडियली सिमेट्रिक एनिमल्स, इसमें लिखिए डेफिनेशन द एनिमल्स विच हैव मल्टीपल प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर विच कैन डिवाइड देम इनटू टू इक्वल पार्ट्स, फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ओके, दो फाइलम इसके अंदर आ गए, एक एसिमेट्रिक में आ गया, बचा हुआ बायलेटरल में ही आएगा, तो सी डालें बायलेटरली सिमेट्रिक एनिमल्स, लिखें द एनिमल्स इन विच देयर इज ओनली वन प्लेन विच पासेस थ्रू द सेंटर टू डिवाइड बॉडी ऑफ एनिमल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, फॉर एग्जांपल प्लेटीहेलमिन, नेमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, प्रोटोकोडेटा, कोडेटा। ठीक है, समझ गया, पांच क्राइटेरिया समझना इंपॉर्टेंट, एक बार देखिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से पहले ये हेडिंग, फिर ये पॉइंट और फिर हर एक हेडिंग के बारे में जो मैंने नोट्स बोले हैं वो सारे लिखकर बहुत अच्छा फेयर फॉर्म में नोट्स बनाने हैं, फिर हम पहला फाइलम पॉलीफेरा स्टार्ट करके डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है किंगडम एनिमेलिया के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें समझ में आ गई तो हर एक फाइलम आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तो आप अच्छे से करें, सारे नोट्स बनाएं जैसे मैंने पॉइंट टू पॉइंट कहा है। ओके, थैंक यू।